सीधे लिए चलते हैं आपको इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में। अमित शाह क्या कुछ बोल रहे हैं। स्थिति में पूर्वोत्तर का विकास संभव ही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहला काम ये मन की खाई को पाटने का करा। उन्होंने पूर्वोत्तर पर फोकस किया और पूर्वोत्तर के अंदर हर 15 दिन में एक केंद्रीय मंत्री को भेजना चालू किया। आज तक 7 साल में प्रधानमंत्री स्वयं 50 बार पूर्वोत्तर गए हैं और 12 बार रात्रि निवास उन्होंने पूर्वोत्तर के अंदर किया है और धीरे 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 अब पूर्वोत्तर का भारत के साथ मन का जुड़ाव करने का काम समाप्त हो गया है। एक जमाना था वहां हिंसा, उग्रवाद, विवाद, बाढ़, भ्रष्टाचार और नार्कोटिक्स, ये सारे प्रॉब्लम हमेशा के लिए चर्चा में रहते। मणिपुर का कोई नाम देता था तो बंद और ब्लॉकेट के लिए ही दिया जाता था, हड़तालों के लिए दिया था। आसाम का नाम टेररिज्म के लिए और जातीय समूहों के झगड़ों के लिए लिया जाता था। इस प्रकार की स्थिति में पूर्वोत्तर था। आज कनेक्टिविटी, विकास, पर्यटन, रोजगार, बिजली और जंगल को बढ़ाना, बाढ़ को समाप्त करना, ये पूर्वोत्तर का चर्चा का विषय है। मैं इसलिए बताता हूं कि किसी भी क्षेत्र के अंदर औद्योगिक निवेश अगर करना है तो वहां शांति होना बहुत जरूरी है, वहां के विवादों को समाप्त करना बहुत जरूरी है, एक एनवायरनमेंट ऐसा बनाना जहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है और आर्थिक विकास के लिए एक अच्छा माहौल बनाना बहुत जरूरी है। ये माहौल बनाने का काम ये 7 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया है, पूरा कर दिया है और आज पूर्वोत्तर तैयार है, इसको स्वीकार करकर आर्थिक विकास का एक बहुत बड़ा देश के आर्थिक विकास का कंट्रीब्यूटर बनने के लिए।